बांदे देश में नमायु डारी। नहीं करनी मुझे इस सगाई। ये तो क्या कह रही है बच्चे, ऐसा नहीं कहते हाँ? क्या गलत कहा जैस्मिन आंटी ने, सही तो कह रही है। डाका ही तो डाल रही हूँ मैं हरलीन की खुशियों में। ये मत, तू पागल हो गई है क्या? हरलीन, हम खुद को जितना मर्जी समझाना पर हम सब जानते हैं ये गलत है। हरलीन एक अब से प्यार करती थी, एक अब और हरलीन की शादी होनी थी। जो गोली मुझे लगनी थी वो हरलीन ने खाई और मैं क्या कर रही हूँ? मैं जानती थी ये सब गलत है और इसी वजह से मैं सबको छोड़ के जाना चाहती थी। तो ये खेल खेला है मम्मा ने, तभी कह रही थी नेमत खुद मना कर देगी इस रिश्ते के लिए। वाह मम्मा, मान गए आपकी तेज दिमाग और उससे भी तेज जुबान। पीटर से ओए मेरी जल्दी है, तू पागल हो गई है? इसे दूसरे के कहने पे तुम्हारा रिश्ता तोड़ेगी? हरलीन खुद चाहती है, वो खुद चाहती है कि हम दोनों की शादी हो, हमारा रिश्ता बने। पागल बन मत कर। मैं चाहती थी तुम दोनों को साथ में देखना, मत करना ऐसे प्लीज। पुत्र, हर नेमत एकम तेरे बचपन का प्यार है पुत्र। और तू इस जैस्मिन की बातों में आ रही है? ओए पुत्र, वो किसकी बातें सुन रही है तू? उसका तो काम ही है लोगों के दिल तोड़ना, रिश्ते तोड़ना, घर तोड़ना। तोड़ना ही तो सीखा है इसने जिंदगी भर। कैसी बातें कर रही है नेमत, इसको तो रिश्तों की कदर तक नहीं है। नेमत, इसीलिए तेरी माँ के बारे में बातें की थी। इसको तो आदत है लोगों के घरों में सियापे डालने की, और उल्टा उल्टा खुद इसने अपनी बहन के पति से प्यार किया। इसे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है? आपको मेरे बारे में जितनी बकवास करनी है ना मामी, कर लो। फर्क पड़ता है मेरी जुत्ती को। मैं करूंगी वही जो मेरी बेटी के लिए सही है। बस क्या चाहती हैं आप? बोलिए क्या चाहती हैं आप? ये रिश्ता जो हो रहा है वो टूट जाए? नहीं होगा, एकम और नेमत का रिश्ता नहीं टूटेगा। आप हरलीन की मॉम हैं, हम सब आपको इज्जत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार इज्जत लोगों को रास नहीं आती। आप उन्हीं में से। देखिए, आपने जितना तमाशा करना था आप उतना तमाशा कर चुकी हैं, और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सत श्री अकाल, जा सकती हैं आप। ये मेरा घर है, मेरे मम्मी पापा का। तुम होते कौन हो मुझे यहां से भगाने वाले? मेरा घर? हाँ। कौन सा तेरा घर, कौन सा तेरे मां बाप का घर? अगर तू इस घर को अपना घर मानती होती ना तो आज यह सब ना करती। तो और वैसे भी तेरे लिए तो तेरे ये मां बाप पहले मर चुके हैं ना। मेरा घर, नानू ठीक कह रहे हैं मॉम से, मॉम से चले जाओ यहां से, यहां आपकी कोई जरूरत नहीं है। हरलीन, आपने सुना मैंने क्या कहा मॉम से? जस्ट लीव फ्रॉम यू।
अपनी माँ से ऐसे बात कर रही है? ओह माय गॉड, आंखों के तारे ने ही आंखों के आगे अंधेरा कर दिया। बहुत सुना था मैंने लोगों से आपके बारे में, आज देख भी लिया। मुझे शर्म आती है मॉम से आपको अपनी माँ कहते हुए, क्योंकि आप तो मेरी माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। अभी भी क्यों खड़े हो आप? प्लीज जाओ। हरलीन, तुझे पता भी है मैं सब कुछ तेरे लिए कर रही हूं, और तू यहां सबके सामने अपनी माँ की बेइज्जती कर रही है। कैसी माँ हो आप? आपको यही नहीं पता कि आपकी बेटी कैसी है? आप बताओ, क्या मैं ऐसी हूं कि अपनी बहन का रिश्ता तोड़ के खुद उसकी खुशियां छीन लूंगी? आपने मुझे पैदा किया इसलिए आप मेरी खुशियों के बारे में सोच के निकल पड़े मेरी खुशियों को प्रोटेक्ट करने, लेकिन क्या आपने एक बार भी नेहमत के दुख और दर्द के बारे में सोचा? आपको पता भी है वो पहले कितनी चीजों से गुजर चुकी है मोमजी। मैं चाहती थी कि नेहमत और एकम साथ रहे, मैं चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो। सब जानते हुए भी तूने अपनी माँ की तरह मुझसे सारे रिश्ते छीन लिए। जितनी नफरत मैं तेरी माँ से करती थी ना, उससे कई ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। कैसे कर लेते हो आप इतनी नफरत? I'm surprised मौसी, सबने कितने रिश्ते दिए हैं आपको, पर अफसोस आपको इतने रिश्तों में से एक रिश्ता भी संभालते नहीं आता। आप इन लोगों से प्यार करके तो देखो, देखना आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। बदले में ये सब आपको इतना प्यार देंगे ना, जो कि आपकी पूरी जिंदगी कम नहीं पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसे दोगले लोगों का प्यार। तो नेहमत को भी नहीं चाहिए आपकी ये नफरत। आप प्लीज चले जाओ मोमजी यहां से। हरलीन, प्लीज स्टॉप इट। कर रही है हरलीन, तू नहीं जानती कि माँ बाप का साया होना कितनी किस्मत की बात है। हर दिन मैं अपने मम्मा पापा को मिस करती हूँ। और क्या गलत किया उन्होंने? तू उनकी बेटी है और तेरी खुशियों के बारे में सोचना उनका हक है। मत मार, ये गलत है हरलीन। माफी मांगू उनसे। नेहमत, तू भी जानती है कि हरलीन, माफी मांग। मॉम से मैं चल पुत्र, रस्म शुरू करिए।
नहीं नानू, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये सगाई नहीं कर सकती। कोई कुछ कहे या ना कहे, पर सच्चाई तो यही है ना कि मैं हरलीन की खुशियां छीन के अपनी खुशियां ढूंढ रही हूँ, और ये मैं हर किसी नहीं कर सकती। संभाल अपने आप को यार, होए पुत्र, चुप चुप चुप। देख, अगर हम जैस्मिन की बातें सुनेंगे ना तो हम तो जी नहीं पाएंगे, उसकी बातों पर ध्यान मत दे पुत्र, चुप। हाँ बच्चे, अभी सिर्फ तू अपने प्यार के बारे में सोच, एकम के बारे में सोच बच्चे, वो तेरा इंतजार कर रहा है ना। इतनी मुसीबतों, इतनी मुश्किलों के बाद तुम दोनों एक होने जा रहे हो, इसमें तो जरूर रब की ही मर्जी होगी, फिर कोई कौन होता है तुम दोनों के प्यार पे उंगली उठाने वाला। हा? किसी की बात की फिक्र मत कर तू। हाँ पुत्र, जब सब तेरे साथ हैं तो फिर तू फिक्र क्यों करती है, बात समझ बच्चे। सिंपथियों पे ही चल रही है इसकी लाइफ। तो तूने अपनी माँ की तरह मुझसे सारे रिश्ते छीन लिए, जितनी नफरत मैं तेरी माँ से करती थी ना, उससे कई ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। नेमत, मामजी ने तुझसे जो भी कहा है उसकी सजा तू मुझे क्यों दे रही है? तू चाहती है कि मैं सारा गिल्ट अपने ऊपर ले लूं? ऐसे मत करना। देख, एक हम तेरा वेट कर रहा है, प्लीज चल। ठीक है, ना कह रही है ना तू, नहीं उठेगी ना। नानी, आप कह दो इसको, अगर अगर ये नहीं उठी ना अभी की अभी तो इस बार मैं जा रही हूँ रेलवे पटरी पे। तुझे क्या लगता है सिर्फ एकम तुझसे प्यार करता है, वो ही अपनी जान दे सकता है तेरे लिए? इस बार तो पक्की वाली कट्टी हो जाऊंगी। अहमद प्लीज चल ना, प्लीज मान जाने अहमद। चल पुत्र, उठ, शाबाश, उठ जा, हाँ, उठ मेरे बच्चा। नेमत, चलना, चलना मेरे, उठ। देख नेमत, मैंने आज तक तेरी हर बात मानी है ना, तो आज मेरा भी होगा ना, तुझे भी आज मेरी बात माननी होगी। चल, खड़ी हो जा, चल खड़ी हो जा, वरना नहीं तो एक थप्पड़ मार दूंगा मैं। चल नेमत, चल। Thank you.
पहना अंगूठी? एकम भी अंगूठी नहीं पहनेगा। Again, please. जाइए यहाँ से। लगता है कोई नया शगुफा लेकर आई है। रुक जा जैसे। ऐसा ना हो कि तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूँ मैं। पापा आपके वे ड्रामे ना खत्म नहीं होते। पहले सुन तो लो क्या बोल रही हूँ मैं। मैंने कहा है नेहमत एकम को ये वाली अंगूठी नहीं पहनाएगी। अंगूठी मैंने बहुत प्यार से बनवाई थी अपने जवाई के लिए। तुम हो तो अब भी मेरे जवाई ना। कंग्रेचुलेशन। आप सब सोच रहे होंगे कि अचानक मुझे क्या हो गया। पापा मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी देर से ही सही पर आपने जो भी समझाया मैं समझ गई कि जिसका हक है उसे ही मिलना चाहिए। यह अंगूठी एकम के ही हक की है। इस अंगूठी की किस्मत पे एकम का नाम लिखा है तो मैं चाहती हूं तुम एकम को यह अंगूठी पहनाओ। जल्दी पहना दे अंगूठी, तेरा दूल्हा भाग ना जाए। अचानक से ऐसा क्या हो गया जैस्मिन? तेरे तो सूरी बदल गए। कहा ना पापा, थोड़ी देर से अकल आई पर आ गई। आप ये सब छोड़िए ना, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अब सबका मूड मैंने खराब किया है तो ठीक करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तू टेंशन मत ले, मैं तेरी सगाई को बहुत यादगार बनाऊंगी। और सगाई का तो बस ट्रेलर है अभी, पूरी पिक्चर तो आप लोग शादी में देखिएगा। ऐसी डिफरेंट और ऐसी स्पेशल शादी करवाऊंगी ना कि आप सब जिंदगी भर याद रखेंगे। नेहमत तू बहुत डल लग रही है, तेरी सगाई है। कम ऑन जा, फ्रेशन अप हो गया, मेकअप ठीक कर। नेहमत मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। इट्स ओके अर्लीना, आई विल मैनेज। बाहर तो सब तरफ लाइट है, तो रूम की लाइट्स क्यों ऑफ है?
शादी मुबारक होने मत।